हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तृप्तीज़ किचन। फ्रेंड्स, आज के हमारे किड्स टिफ़िन रेसिपी में है वेज वर्मिसेली उपमा। इसे आप नमकीन सेवई भी कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी बनता है, बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। फुल ऑफ वेजीज है, जितना वेजिटेबल चाहे आप इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है एक पैन, जिसमें मैंने पानी रख दिया है गरम होने के लिए। और यहाँ पे मैंने लिया है रोस्टेड वर्मिसेली, तो इसे मैंने रोस्ट करके रखा हुआ है। ये रोस्टेड मिलता भी है मार्केट में, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसे डाल दिया है पानी में, उबलते हुए पानी में। अब इसे हम 4 से 5 मिनट कुक करेंगे, जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। बीच बीच में चलाते रहेंगे, इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता फ्रेंड्स बनने के लिए, फटाफट से ये कुक हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे अच्छे से बॉईल हो रहा है। हम प्रेस करके अपनी सेवई चेक कर लेंगे, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसे स्ट्रेन कर लूँगी, फिर हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक कढ़ाई, जिसमें मैंने ऑयल डाला है। जैसे ही हमारा ऑयल गरम होगा, हम इसमें डाल देंगे सरसों के दाने। तो मैंने यहाँ पे सरसों डाल दिया है, साथ ही में करी पत्ते डाले हैं। इन दोनों को पहले थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे, फिर हम इसमें डालेंगे प्याज। तो मैंने प्याज को बारीक चॉप कर लिया है और इसमें ऐड किया है। तो इसे थोड़ी देर कुक करेंगे हम। देन हम इसमें ऐड कर रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। तो मैंने बहुत थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाला है। आप यहाँ पे हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, मैंने मिर्च स्किप किया है क्योंकि इसे बच्चे को देना है। यहाँ पे हम वेजीज ऐड कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे गाजर लिया है, शिमला मिर्च लिए हैं, कॉर्न भी डाला है। आप चाहे तो अपने पसंद की सब्जियाँ इसमें डाल सकते हैं सीज़न के हिसाब से। जब ठंड का सीज़न हो तो आप गोभी वगैरह भी डाल सकते हैं, मटर यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैंने शिमला मिर्च, कॉर्न और गाजर डाला है। इन सब को अच्छे से सॉटे करेंगे, थोड़ी देर कुक कर लेंगे। वेजिस को बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, थोड़ा सा क्रंच होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा टमाटर ऐड किया है, एक टमाटर लिया है मैंने यहाँ पे। इसे भी हम थोड़ी देर भून लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मसाले। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाला है और थोड़ी सी हल्दी। हल्दी आप बहुत थोड़ा सा डालें, क्योंकि वेजीज में भी बहुत कलरफुल वेजीज लिया है हम लोगों ने, तो ज़्यादा हल्दी डालने की ज़रूरत नहीं है, इतने में ही बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ किचन किंग मसाला। अब ये जो मसाला है वो बिल्कुल ऑप्शनल है, उसके जगह आप कोई दूसरा मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैगी मसाला हो गया, गरम मसाला हो गया। अब हमने इसमें अपना सेवई डाल दिया है, जो हमने स्ट्रेन करके रखा था। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए एकदम खिला खिला बना है, बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, ये बच्चों को बहुत पसंद आता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। यहाँ पे इन सबको अच्छे से मसालों में मिक्स कर लेंगे। और अब मैं लास्ट में इसमें ऐड करूँगी हरा धनिया। हरा धनिया डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पे नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। तो हमारी जो सेवई है वो बनकर बिल्कुल रेडी है फ्रेंड्स। अब हम इसे असेंबल कर देते हैं अपने टिफ़िन में। आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।